हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों, आपका स्वागत है FY BCOM सेमेस्टर 2 के अंदर। बच्चों, फाइनेंस अकाउंट सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, कैपिटल रिडक्शन। आज बच्चों आपको थर्ड लेक्चर में मैं रिडक्शन अकाउंट, एंट्री और बैलेंस शीट सारी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, जिसके लिए आज हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 9, इलुस्ट्रेशन 5, होमवर्क में 2, पेज नंबर 252। और सम का प्यारा नाम है बच्चों डेंजरस व्रजेस, प्यार से उसे हम व्रजू सम भी कह सकते हैं। टेक्स्ट बुक कैल्सी और फुल्सकेप बुक के साथ रेडी हो जाओ, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चों, बैलेंस शीट ऑफ ब्रजेस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2019 एज फॉलो। फिर आपके पास एक बैलेंस शीट है, एडजस्टमेंट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एडजस्टमेंट है। लास्ट पैराग्राफ, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रजेस एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट नॉर्थ गुजरात 2003, 2010 और 2018 में आ चुका है। बच्चों, मैं कैलसी भी निकाल के रख देता हूँ जिससे हमें दुख ना हो। ठीक है, रेडी? पेज नंबर 252 पे बच्चों में एक एक एडजस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे रिडक्शन अकाउंट। रिडक्शन अकाउंट के अंदर बच्चों ये एक प्रकार का PNL है, नया खर्च उधार, नई इनकम जमा या असेट साइड से कोई भी असेट से लॉस रिड्यूस करो, रिडक्शन डेबिट। लायबिलिटी वेव करो, कैपिटल रिड्यूस करो, रिडक्शन जमा। बाजू में फिर एंट्री बनाएंगे बच्चों, और लास्ट में मैं बोर्ड रब करता जाऊंगा। आप लोग बोर्ड एक एक स्लाइड वाइज जैसे बोर्ड भर जाए वीडियो पोस्ट करके नोटिंग कर लेना। एडजस्टमेंट नंबर 1, पहलो हवालो, इक्विटी शेयर कैपिटल टू बी रिटर्न डाउन अप टू ₹60, प्रेफरेंस शेयर टू बी रिटर्न डाउन बाय ₹4। बोलो, इक्विटी ने प्रेफरेंस रिड्यूस करो बच्चों, तो कहाँ लिखोगे? तो वो रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड, कैपिटल रिड्यूस्ड एक नंबर में आएगा बच्चों, शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड। उसमें पहला पॉइंट इक्विटी कैपिटल, दूसरा पॉइंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पहले पॉइंट में रिटर्न डाउन अप टू 60 बोला है, अप टू 60 बोला हो बच्चों, तो इसका मीनिंग 60 रहेगा, बाकी का 40 रिड्यूस होगा, 60 रखवाना। सेकंड में बोला है प्रेफरेंस रिड्यूस्ड बाय रुपीज फॉर, बाय बोला हो बच्चों तो सेम 4 रुपए रिड्यूस होगा, क्लियर? अप टू बोला हो तो बाकी का माइनस करके लो, बाय बोला हो तो सीधा 4 रुपीज। बैलेंस शीट में से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लो, इक्विटी कैपिटल 800,000 डिवाइड बाय 100, जैसे करोगे बच्चों वैल्यू आएगी 8,000। सेकेंड में प्रेफरेंस शेयर में 400,000 डिवाइड बाय 10 करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 40,000 से, 8,000 इंटू 40 करोगे वैल्यू आएगी 320, 40,000 इंटू 4 करोगे वैल्यू आएगी 160। मैं बच्चों देखते जा रहा हूँ, यस वैल्यू सही आ रही है कि नहीं, आई थिंक एकदम सही है बच्चों। अब इसकी मुझे एंट्री करनी हो तो पहले एंट्री बोल लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अब बच्चों यहाँ मैं एक एक एंट्री आपके लिए लिखने जा रहा हूँ, अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रजेस। पहली एंट्री है बच्चों फॉर रिड्यूसिंग शेयर कैपिटल, जारे शेयर मूड़ी घटाड़वामा आवे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 320, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 160, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 4,80,000। देख सकते हो बच्चों, पहले आपको रिडक्शन में इफेक्ट दी और फिर एंट्री। आगे जाते हैं बच्चों, फाडू एडजस्टमेंट फर्स्ट टाइम आ रहा है, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड पॉइंट डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस इज नॉट डिक्लेयर्ड एंड पेड फ्रॉम 1/4/17, दे विल बी गिवन इक्विटी शेयर अगेंस्ट एक्रूड डिविडेंड। सबसे पहले बच्चों प्रेफरेंस डिविडेंड पेड करना है। अब आप लोग चेक करो कहीं भी बैलेंस शीट में डिविडेंड है नहीं है, तो डिविडेंड नया खर्च, बोलो नया एक्सपेंडिचर कहाँ लिखोगे? रिडक्शन में डेबिट साइड, ये लिखा बच्चों एक नंबर के अंदर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब बच्चों मैं समझाने जा रहा हूँ प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे गिना जाता है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लो, 4,00,000 कैपिटल, उसके बाजू में डिविडेंड का रेट है बच्चों 9% रेट। अब आप एडजस्टमेंट 3 में देख सकते हो 2017 से डिविडेंड बाकी है, अब बैलेंस शीट है 19 की,
तो 17, 18, 18, 19 दो साल का डिविडेंड बाकी है, फरी जो 30 एडजस्टमेंट, 1, 4, 70 से डिविडेंड बाकी है, 17, 18 पहलू वर्ष ने, 18, 19 बीजू वर्ष, बैलेंस शीट की लास्ट डेट हो वहां तक का डिविडेंड लेना है। तो इनटू दो साल जैसे लोगे वैल्यू आएगी बच्चों 72,000। अब बच्चों मैं आपको डिविडेंड की पहली एंट्री समझा रहा हूं, प्रोविजन फॉर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एंट्री होगी बच्चों, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट, वैल्यू 72,000। अब बच्चों डिविडेंड के बदले कंपनी ने क्या एक्सेप्ट किया, जस्ट लाइक बार्टर सिस्टम साटा पद्धति, कंपनी ने पेमेंट किया इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी कैपिटल। अब इसके बदले इक्विटी कैपिटल दो, तो थर्ड एंट्री व्हेन इक्विटी कैपिटल गिवन फॉर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, जारे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेटे इक्विटी कैपिटल आप, तो एंट्री उल्टी हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड 72,000 टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो बच्चों बोर्ड पे, पहले दो ट्रांजेक्शन 3 एडजस्टमेंट के अंदर एकदम आराम से मैंने आपको समझा दिए। अब बच्चों सफर को आगे ले जाते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 4, इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड फॉर 180। अब बच्चों आपने इन्वेस्टमेंट बेचे, चौथा पॉइंट इन्वेस्टमेंट सोल्ड, जिसके अंदर मेरे पास बुक वैल्यू है बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है बच्चों बैलेंस शीट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 150, और सोल्ड कितने में किया, तो एडजस्टमेंट 4 में सोल्ड किया है 180। बोलो 150 की वस्तु 180 में बेचोगे बच्चों तो कितना प्रॉफिट होगा, 30,000। बोलो पहले इन्वेस्टमेंट सेल किया तो क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड 180। बैलेंस शीट में से इन्वेस्टमेंट कितने के गए, इन्वेस्टमेंट जाए जाए तो जमा 150, कितना प्रॉफिट हुआ बच्चों, 150 की वस्तु 180 में बेचो 30,000 प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहाँ ले जाओगे, टू कैपिटल रिडक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड इन्वेस्टमेंट सोल्ड प्रॉफिट वैल्यू 30,000। तो अब नई बैलेंस शीट में बच्चों अपने इन्वेस्टमेंट सेल किए, इन्वेस्टमेंट आएंगे नई बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट नई आएंगे बच्चों। इसके बाद हम लेने जा रहे हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, इससे पहले आप लोग वीडियो पोज करो बच्चों, मुझे अब राइट साइड से जो बोर्ड है वो रफ करना पड़ेगा, तो आप लोग एंट्री नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लेने जा रहे हैं अनदर एडजस्टमेंट, आप देख सकते हो बोर्ड पे राइट साइड से मैंने बोर्ड रफ कर दिया है बच्चों। एडजस्टमेंट 5, क्रेडिटर एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर 75% बाय अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर, 15% इन कैश एंड बैलेंस बींग वेव्ड। एडजस्टमेंट नंबर 5 अने पॉइंट नंबर 5, ट्रायल बैलेंस शीट में से बच्चों क्रेडिटर बोलो, सॉरी बैलेंस शीट में क्रेडिटर मुझे दिख रहा है 2,00,000 रुपये, कैसे पेमेंट किया, तो इसका पहला टुकड़ा 75% पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी कैपिटल, इनको 75% के लिए हमने क्या दे दिया, इक्विटी कैपिटल, फिर 15% रोकड़ा दिया, 15% हो गया कैश, 2,00,000 का 15%, 30,000 2,00,000 का 75%, 1,50, ठीक है। अब बाकी का रिमेनिंग बैलेंस वेव्ड, 75 और 15, 90, अब बाकी बचा 10%, ये करना है हमें वेव्ड, 2,00,000 का 10% लोगे बच्चों वैल्यू आएगी 20,000। अब बच्चों अगर टेबल में ही अगर आपको एंट्री समझ दियो, तो टेबल के मोड में एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल टू कैश, और वेव्ड वैल्यू कहाँ जाएगी, कैपिटल रिडक्शन में, पर बच्चों ऐसे एंट्री लिखोगे तो टीचर को समझ नहीं आएगा, इसलिए नीचे अलग से लिखना है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड 2,00,000 टू इक्विटी कैपिटल 150 टू कैश अकाउंट 30,000 अने टू कैपिटल रिडक्शन 20,000। अब बच्चों नई बैलेंस शीट में जैसे इन्वेस्टमेंट बेचे नहीं आएगा, क्रेडिटर भी वेव हो गए नहीं आएगा, इक्विटी कैपिटल में 50+ होंगे, कैश पेमेंट किया कैश में से माइनस होंगे, और रिडक्शन में क्रेडिट साइड आएगा बच्चों 3 नंबर, क्रेडिटर वेव्ड वैल्यू है बच्चों आई थिंक 20,000। एडजस्टमेंट नंबर 6,
डिबेंचर होल्डर विल एक्सेप्ट 80% अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस एंड इन फुल सेटलमेंट। अब बच्चों मैं लेने जा रहा हूँ 6 नंबर में बैलेंस शीट में से डिबेंचर, बैलेंस शीट में से डिबेंचर का बुक वैल्यू है बच्चों मुझे दिख रहा है 3 लाख रुपीस। अब इसके बदले क्या देना है, 80% अमाउंट पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिससे इसका 80% निकालोगे, अमाउंट पेड करनी है बार्टर सिस्टम साटा पद्धति, 3 लाख के सामने 80%, 2,40,000 के प्रेफरेंस शेयर फुल सेटलमेंट बोला है बच्चों। फुल का मीनिंग अब बाकी 20% बचा है वो लगभग 60,000, उसका क्या करोगे। फुल सेटलमेंट का मीनिंग बच्चों ये बंदे इसको लेना था 3 लाख, उसने देखा कंपनी की हालत बिखरी जैसे, उसने 2,40,000 लेने को एग्री हो गया, तो ये कहाँ जाएगा, वेव्ड। वेव्ड वैल्यू कहाँ जाती है, कैपिटल रिडक्शन में। अब इसकी एंट्री करनी हो तो बच्चों डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 3 लाख टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 240 टू कैपिटल रिडक्शन। अगर वेव्ड की जगह है बच्चों पार्ट सेटलमेंट बोला होता तो ये 60,000 नई बैलेंस शीट में कंटिन्यू होते हैं, और नई बैलेंस शीट में डिबेंचर आएंगे जरा भी नहीं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में प्लस होंगे 240 और रिडक्शन में आएगा 4 नंबर का पॉइंट। क्या लिखूं मैं बच्चों, डिबेंचर वेव्ड वैल्यू ओनली 60,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, फिर से बोर्ड भर चुका है, एडजस्टमेंट नंबर 7, द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व टू बी यूटिलाइज। ये सूचना हो या ना हो बच्चों नियम है कि अगर बैलेंस शीट में रिजर्व पड़ा हो तो उसे यूज कर लो, लायबिलिटी साइड से रिजर्व यूज करो तो कहाँ लिखोगे, रिडक्शन में क्रेडिट साइड, हेडिंग आएगा रिजर्व यूटिलाइज, रिजर्व नो उपयोग करो। अब बच्चों मैं बैलेंस शीट में से रिजर्व ले रहा हूँ, सबसे पहले आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम जिसकी वैल्यू है 20,000, दूसरे पॉइंट में आएगा बच्चों जनरल रिजर्व जिसकी वैल्यू है 30,000, टोटल है 50,000। अब इसकी एंट्री करनी हो तो बच्चों क्या एंट्री करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, जनरल रिजर्व डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। फिर से बच्चों बोर्ड भर गया है, मुझे रिडक्शन अकाउंट निकाल नहीं सकता हूँ मैं, तो बच्चों आपको फिर से वीडियो पोस्ट करके एडजस्टमेंट 5 और 6 की एंट्री लिखनी होगी, और फिर मैं आपके सामने रिजर्व की एंट्री लिखने जा रहा हूं। चलो अब बच्चों मैं लेने जा रहा हूं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, बहुत ही लंबा समय तो मुझे बार बार वीडियो पोस्ट करके नोटिंग करना पड़ रहा है बच्चों, आपको भी सेम ही करना है, जैसे नेक्स्ट एंट्री पर जाओ उससे पहले वीडियो को पोस्ट करके लिख लेना। गुडविल पेटेंट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर रिटर्न ऑफ, सूचना ना हो तो भी बच्चों कोई भी इनटेंजिबल ऑफ फिक्टिटियस हो वो अपने आप हिडन पॉइंट है, रिटर्न डाउन करना है। कोई भी असेट्स रिड्यूस करो तो कहाँ लिखोगे, रिडक्शन में क्रेडिट साइल, क्या हेडिंग दोगे, इनटेंजिबल एंड फिक्टिटियस असेट्स, FICTI TIOUS, ये खास ध्यान रखना बच्चों, नए हेडिंग में इसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। चलो सबसे पहले गुडविल बोलो बच्चों, तो गुडविल की वैल्यू मुझे दिख रही है 1,60,000, उसके बाद पेटेंट रिटर्न डाउन करना है, पेटेंट की वैल्यू मुझे दिख रही है 75,000, और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट मुझे दिखाई दे रहा है जिसकी वैल्यू है आई थिंक 2,13,000। जैसे टोटल करोगे बच्चों ये 3 आइटम का टोटल आएगा 4,48,000, और इसकी एंट्री करनी हो तो बच्चों रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल टू पेटेंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। दुख ना हो इसलिए बच्चों एंट्री लिख रहा हूं मैं, इनटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स रिटर्न ऑफ, सबसे पहले कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड 4,48,000 टू पहला वर्ड गुडविल अकाउंट टू पेटेंट अकाउंट अने टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। गुडविल के अंदर आएगा बच्चों 1,60,000, पेटेंट में आएगा 75, और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में आएगा बच्चों 2,13,000। उसके बाद बच्चों आगे जा रहे हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 9, द रिमेनिंग अमाउंट टू बी यूटिलाइज्ड इन राइटिंग डाउन प्लांट मशीन एंड स्टॉक इन प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। जनरली बच्चों हमें अब तक सम के उसमें याद होना चाहिए,
ये रिडक्शन अकाउंट बंद करोगे आप तो डिफरेंस कहाँ जाता है, जनरली जाता है कैपिटलिज्म पर। मैं यहाँ सोचना है कि आपको प्लांट एंड स्टॉक को रिड्यूस करना है, तो यहाँ मैं तीन नंबर में लिखूंगा असेट्स रिड्यूस्ड, उसमें प्लांट एंड मशीनरी और सेकेंड पॉइंट आएगा स्टॉक, दोनों की वैल्यू 3:1 में बच्चों आपको रिड्यूस करनी है। इसके लिए सबसे पहले अब सारे एडजस्टमेंट पूरे हुए, मैं रिडक्शन अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा हूँ बच्चों, टोटल मैं देख के कर रहा हूँ, आप लोग अपने आप करना 6,40,000 और मैं डिफरेंस निकालूँ बच्चों तो आई थिंक डिफरेंस आएगा 1,20,000 और 1,20,000 को आप 3:1 में बांटोगे तो वैल्यू आएगी 90,000 एंड 30,000। किसी को डाउट है? ये हो गया बच्चों आपका प्लांट एंड स्टॉक रिड्यूस। अब बच्चों इसकी एंट्री करनी हो तो एडजस्टमेंट नंबर 9, एंट्री नंबर में 9, व्हेन असेट्स रिड्यूस्ड, सबसे पहले कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड, वैल्यू है बच्चों 120, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट वैल्यू है बच्चों 90,000 अने टू स्टॉक अकाउंट जिसमें वैल्यू आएगी 30,000। तो अब बच्चों नई बैलेंस शीट बनाओगे उसमें गुडविल पेटर्न एडवर्टाइजमेंट रिटर्न ऑफ हुआ नहीं आएगा, प्लांट और मशीनरी वैल्यू को रिड्यूस करना है। ये हुआ बच्चों आपका रिडक्शन अकाउंट, सबसे लंबा सम ब्रजेश और इसकी 9 एंट्री। वीडियो पोज कीजिए बच्चों और एक साथ पूरा रिडक्शन अकाउंट और एंट्री लिख लीजिए। इसके बाद मैं पूरा बोर्ड रफ करूंगा और आपके लिए प्रेजेंट करूंगा अफलातून बैलेंस शीट, पर उसके लिए बच्चों रिडक्शन के एक एक पॉइंट आपको याद रखने होंगे, पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं बैलेंस शीट ऑफ ब्रजेश। बैलेंस शीट बनाते समय रिडक्शन अकाउंट के अंदर जो भी एंट्रीज की आपने, शेयर कैपिटल इनिस किया, हर एक पॉइंट को याद रखना होगा बच्चों। मेरे पास तो नोट्स बुक्स है जिससे मैं आपको बैलेंस शीट अच्छी बनवा पाऊँ, ठीक है। लगभग 2 पेज की बैलेंस शीट बनेगी, पूरे नहीं, बैलेंस शीट सामने रखो, जो जो आपने रिड्यूस किया इंक्रीज किया उसको प्लस माइनस करते जाओ, कैलसी भी रेडी रखना बच्चों, सबसे डेंजरस है बैलेंस शीट। चलो जूनी बैलेंस शीट में फर्स्ट हेडिंग से बच्चों इक्विटी एंड लायबिलिटी, सेम हेडिंग उसके अंदर है बच्चों सबसे पहला हेडिंग शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर फर्स्ट हेडिंग है बच्चों इक्विटी कैपिटल जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों अंदर की साइड पे 8,00,000। अब सोचो बच्चों आपने कितने ट्रांजेक्शन लिए, पहला रिडक्शन अकाउंट में कितनी रिड्यूस करी वैल्यू ए माइनस करो, बोलो रिडक्शन अकाउंट में से कितना रिड्यूस किया था बच्चों 320, यस माइनस किया 8 में से 3 गए 5, 5 में से 20 गए 4, 80। उसके बाद बच्चों आपने जो जो एंट्री में इक्विटी कैपिटल क्रेडिट क्रेडिट लिखा हो बोलो कहाँ लिखा था, प्रेफरेंस डिविडेंड में आपने लिखा था, प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल जमा यानी प्लस, फिर क्रेडिटर वाली एंट्री याद करो, तुम्हारी जोड़ दो लखेलू जैसे बद्दू बराबर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल यानी क्रेडिटर के अंदर भी इक्विटी कैपिटल थी, मेरे ख्याल से आई थिंक 150 थी, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, यस एकदम सही है। अब ये जैसे बच्चों आपने प्लस माइनस किया नेट कैपिटल आएगी मेरे ख्याल से 7,02,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ इक्विटी कैपिटल। कोई क्या बद्दू याद रखू पड़े? हाँ बाड़को, जो रिडक्शन में रिड्यूस करी, प्रेफरेंस डिविडेंड में कैपिटल जमा एंट्री करी थी, क्रेडिटर में जमा वाड़ी करी थी प्लस करी, सेकेंड एंट्री सेकेंड पॉइंट प्रेफरेंस कैपिटल जिसकी वैल्यू है बच्चों बैलेंस शीट के अंदर प्रेफरेंस कैपिटल है 4,00,000। अब आपने एंट्री करी थी बच्चों रिडक्शन के अंदर प्रेफरेंस कैपिटल डेबिट टू रिडक्शन, कितनी रिड्यूस की थी बैलेंस शीट में से बच्चों, बैलेंस शीट में से रिड्यूस की थी हमने आई थिंक 160, माइनस करो, जैसे माइनस करोगे आई थिंक 2,40,000। फिर कोई एंट्री में आपने प्रेफरेंस कैपिटल जमा की थी, पहले डिबेंचर वाली एंट्री याद करो, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस कैपिटल, तो डिबेंचर के अंदर कितनी प्रेफरेंस हमने दी थी, डिबेंचर होल्डर को दी थी बच्चों, डिबेंचर होल्डर में दी थी मैंने 2,40,000। अब बधू याद रखू पड़े? हाँ बच्चों, ये हो गया 480। उसके बाद सेकंड पॉइंट है बैलेंस शीट में बच्चों रिजर्व अने सरप्लस, एम जो सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व आएगा नहीं बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व हमने रिडक्शन में यूज कर लिया, आखू वपराई गयू नहीं आवे। फिर नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर आएगा नहीं आएगा क्योंकि डिबेंचर के बदले प्रेफरेंस दे दिए। 3 नंबर में करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर आएगा नहीं आएगा, क्यों?
क्रेडिटर को हमने पेमेंट कर दिया और कुछ वेव्ड कर दिया। और करंट लायबिलिटी में बच्चों बीओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग होता है पैसों की कमी। अब जो बीओडी क्या रहा है, जब कंपनी के पैसे पास ना हो, पर कंपनी एक एंट्री देखी थी इन्वेस्टमेंट बेचे बैंक अकाउंट डेबिट 180,000 रुपया है, तो इन्वेस्टमेंट के जो पैसा है उसमें से बीओडी पेमेंट हो जाएगा, तो बीओडी भी नहीं आवे। ये बच्चों आपकी बैलेंस शीट का फर्स्ट साइड का टोटल हो गया 11,82,000, 11,82,000 एकदम सही है बच्चों। अब मुझे सेकेंड पार्ट में लेना है असेट्स। असेट्स के अंदर फर्स्ट हेडिंग आएगा बच्चों नॉन करंट असेट्स के अंदर ए आएगा, फिक्स्ड असेट्स, फिक्स के अंदर आएगा बच्चों एक नंबर में टेंजिबल असेट्स। अब टेंजिबल के अंदर देखना बच्चों मैं क्या ले रहा हूँ, सबसे पहले आएगा लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी वैल्यू है 4 लाख। सब आपने रिडक्शन में डेबिट साइड इसे रिड्यूस किया है, चेक करो तो मैं चेक कर लूँ बच्चों। नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग में मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग सेम रहेगा, कोई एडजस्टमेंट तो जो ही लो छो बच्चों, मेरी भी भूल हो जाती है क्योंकि लिखा हुआ मैं भी भूल जाता हूँ। नहीं, कोई चेंज नहीं है तो इसको बाहर रख दो 4 लाख। उसके बाद है बच्चों प्लांट एंड मशीनरी, यस प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000, उसके अंदर कन्फर्म हमने रिड्यूस किया था आई थिंक 90,000, यस इसमें से 90,000 रिडक्शन में डेबिट साइड रिड्यूस किया था, वैल्यू आएगी 1,50,000। उसके बाद बच्चों इनटेंजिबल असेट्स गुडविल और पेटेंट, वो टोटली रिटर्न ऑफ हो गए नहीं आएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो हमने बेच दिया नहीं आवे। अदर करंट असेट्स में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ हो गया, इन्वेस्टमेंट बेच दिए इसलिए नहीं आएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस गुडविल पेटेंट रिटर्न ऑफ करू मांडी वाड़िया नहीं आवे। अब बचा 2 नंबर में करंट असेट्स उसके अंदर बच्चों ए इन्वेंटरीज के अंदर आएगा बच्चों डेंजरस स्टॉक, और स्टॉक के अंदर बच्चों 2,50,000 जिसमें हमने रिड्यूस किया था आई थिंक रिडक्शन में 30,000, याद है चेकिंग कर लो तो बच्चों। यस मैं देख लेता हूँ, यह स्टॉक के अंदर से हमने रिड्यूस किया था मेरे ख्याल से, सही है। चलो उसके बाद बच्चों डेटर ट्रेड रिसीवेबल, उसमें है बच्चों डेंजरस डेटर जिसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जेमा कोई हवाल हो ना और बच्चों तो उसको सेम टू सेम टपका दो। अब सबसे डेंजरस सी पॉइंट है बच्चों जो नया आया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओके। अब इसके अंदर बच्चों देखो मैं आपको कैसे ट्रांजेक्शन से जनरेट करवा रहा हूँ। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेचे थे आपने, कोई भी एंट्रीज लिखी हो उसमें लिखा हो बैंक या कैश डेबिट, तो यहाँ आएगा। तो सबसे पहले कैश एंड बैंक का बैलेंस है आपके पास नथिंग, प्लस इन्वेस्टमेंट बेचे तो कितने पैसे आए 180, टोटल 180, उसमें से पेमेंट किया बीओडी। बैलेंस शीट में बीओडी कितना जो बच्चों बीओडी 50,000। उसके बाद आपने कुछ क्रेडिटर को पेमेंट किया होगा, क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया था बच्चों देखो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, उसमें मेरे ख्याल से 30,000 है, 180 में से 50,000 और 30,000 गया बच्चों, तो वैल्यू आएगी 1,00,000। अगर आपका बैलेंस शीट सेकेंड पार्ट में 1,182 से मैच हो जाए तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। ये हुआ बच्चों आपके टेक्स्ट बुक का सबसे लंबा सम, जिसे प्यार से हम बोलेंगे ब्रजेश, या इसे कह सकते हो ब्रजू सम। वीडियो पोस्ट करो बच्चों और एकदम आराम से पूरा नोटिंग कर लो। चलो बच्चों हम लेने जा रहे हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स या छोटे छोटे सम। अब आपके लिए बच्चों लेने जा रहा हूँ मैं ऑब्जेक्टिव 1, जिसमें आएगा पेज नंबर 234, ठीक है ध्यान से देखना बच्चों। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम डिविडेंड से रिलेटेड हुए, जिससे आपको समझ आए। चलो लास्ट में बच्चों 5-10 मिनट के 2 या 3 ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं। डिविडेंड ऑफ ₹50,000 ऑन प्रेफरेंस शेयर ऑफ कंपनीज और एरियर्स इन एक्सचेंज ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर पेड 14,000 कैश, 1,000 फुल्ली पेड, गिव जनरल एंट्रेंस कनेक्शन विद कैपिटल रिडक्शन। सबसे पहले बच्चों प्रेफरेंस है डिविडेंड, उसकी वैल्यू आज मैंने आपको गिनना सिखा, यहाँ गिन के दिया हुआ है 50,000। अब इसके बदले पेमेंट क्या हुआ बच्चों वो देखिए आप। सबसे पहले इसके बदले पेमेंट हुआ 14,000 रुपये कैश, कितना पेमेंट किया 14,000, 1,000 फुल्ली पेड अप शेयर ऑफ 1 ईच। अब शेयर कितने दिए, अब शेयर में बच्चों कुछ बोला ना हो तो
हमें समझना है आई थिंक इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल लिखते हैं बच्चों, कितना दिया 1000 × 10 10000। और उसके बाद बच्चों 50 में से 14 और 10 है आपने 24 हुआ, लगभग 26000 रुपये वैल्यू है, कितनी है बाकी 26000 रुपये, 26 में 10 36 में 40 में 50 हो गया। अब इसका क्या करें बच्चों, ये है वेव्ड वैल्यू। अब प्रेफरेंस है डिविडेंड के, आप देखो तीन टुकड़े हैं, तो जनरली बच्चे बोलते हैं डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश टू शेयर कैपिटल रिडक्शन, ना प्रेफरेंस है डिविडेंड नया खर्च है बच्चों, नए खर्च में नहीं है, मैं जितना पेमेंट करो उसकी एंट्री होगी, ये याद रख लो। प्रेफरेंस है डिविडेंड के अंदर कभी भी बच्चों वेव्ड पॉइंट की एंट्री नहीं होती, क्लियर। प्रेफरेंस है डिविडेंड में जितना पेमेंट करो उसकी एंट्री होती है, हवा में जनरेट हुआ हवा में ही निकल गया, तो डिविडेंड कितना पेमेंट हुआ बच्चों, तो पहली एंट्री मेकिंग प्रोविजन फॉर प्रेफरेंस है डिविडेंड, टोटल पेमेंट कितना हुआ 14 10 24000। नया खर्च कहाँ लिखोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड 24000 टू प्रेफरेंस है डिविडेंड अकाउंट 24000। सेकेंड एंट्री डिविडेंड के बदले क्या दिया, तो प्रेफरेंस है डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड 24000 टू कैश 10000 અને 2 શેર કેપિટલ એકાઉન્ટ સોરી કેશ મે 14000 ઓર યહાં શેર કેપિટલ મે 10000। આન્સર ચેક કરો બચ્ચો, આઈ થિંક એકદમ સહી હે બચ્ચો, આપ દેખ સકતે હો પરફેક્ટ વે પે એન્ટ્રી આજ કા બચ્ચો। યે પૂરા પોર્શન મે આપકો પ્રેફરન્સ એન્ડ ડિવિડન્ડ કે છોટે સમ સમજાને મિલે રહા હું, ઓબ્જેક્ટિવ 2 બ્રેકેટ મે ઓબ્જેક્ટિવ 19 પેજ નંબર 234। रेडी बच्चों ध्यान देना, ₹15,000 प्रेफरेंस है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज नॉट डिक्लेयर एंड पेड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्रीड टू वेव देयर एरियर्स ऑफ डिविडेंड एंड रिमेनिंग पार्ट दे आर गिवन 3/5 ऑफ द शेयर्स। अब यहां बच्चों प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है कितना, तो डिविडेंड है बच्चों प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है आई थिंक 15000, उसमें से बच्चों वेव्ड कितना हुआ, वेव्ड 3/5 लिखा है, वेव्ड में बच्चों दे रिमेनिंग पार्ट दे आर गिवन 3/5 इक्विटी शेयर, यहाँ वेव्ड बच्चों क्लियर नहीं लिखा है पर सही में 2/5 पेमेंट हुआ है, वेव्ड है बच्चों 3/5। और पेड कितना हुआ है, पेड इक्विटी कैपिटल के फॉर्म में ये 3/5 लिखा है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सही में कितना होना चाहिए 2/5। तो 15000 का अगर आप 2/5 निकालते हो तो वैल्यू आएगी 6000। अब ये 2/5 पेमेंट हुआ तो 3/5 वे हुआ, डिफरेंस निकालो 9000। अब भी मैंने समझाया डिविडेंड में नियम बच्चों, जितलू पेमेंट करो ने एंट्री था तो जो वेवड है उसकी मूवी का नाम नो एंट्री। अब डिविडेंड पेमेंट करोगे बच्चों 6000 तो पहली एंट्री क्या होगी, मैं आंसर भी चेक कर लो तो एकदम सही है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड 6000 टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट 6000। सेकेंड एंट्री प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड 6000 टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट, ये हो गया बच्चों आपका सेकेंड एंट्री। फिर से याद रखो प्रेफरेंस डिविडेंड में जो भी पेमेंट करो बच्चों उसकी एंट्री एंट्री होती है, वेव्ड पार्ट की एंट्री नहीं होती है। अब बच्चों इसके बाद में लेने जा रहा हूं एमसीक्यू नंबर या ऑब्जेक्टिव नंबर 9 पेज नंबर 235। राइट करेक्ट एंट्रीज फॉर द करेक्शन, उसमें पहला पॉइंट है कैपिटल रिडक्शन डेबिटेड टू कैपिटल टू प्रेफरेंस, सेकंड है डिबेंचर डिस्काउंट डेबिट प्रीलिम डेबिट पीएनएल डेबिट टू रिडक्शन। अब बच्चों आप सबको पता है कैपिटल रिड्यूस करो तो रिडक्शन अकाउंट डेबिट था ना बच्चों, तो एंट्री गलत है, तो सही में क्या होगा, एंट्री को रिवर्स करना है, इक्विटी कैपिटल डेबिट प्रेफरेंस कैपिटल डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अमाउंट, तो बच्चों आपने लिखा हुआ है। सेकेंड एंट्री में कोई भी लॉसेस राइट ऑफ करो तो रिडक्शन क्रेडिट नहीं होता बच्चों, रिडक्शन डेबिट होता है, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिटेड 66 और यहाँ भी अगर आपको प्राइस लिखनी हो तो 50000 16000 और फिर यहाँ ले सकते हो 66000। टू डिबेंचर डिस्काउंट, फिर टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, टू PNL, टू गुडविल, टू
इन्वेस्टमेंट, टू स्टॉक अने टू कैपिटल रिजर्व। तो इस प्रकार से बच्चों अमाउंट लिखी हुई है। ये हुआ आपका एक प्यारा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर 9। तो आज का बच्चों लेक्चर रजेश सबसे लंबा सम था और ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3 आपको स्पेशली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट समझाने के लिए थे बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। थोड़ा टफ टॉपिक है इसलिए मैं मैक्सिमम 25 से 30 मिनट का लेक्चर बना रहा हूँ जिससे आपको टेंशन ना हो। नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय माता जी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।